तकरीबन 500 साल के लंबे इंतजार और खूब लड़ाई और संघर्षों के बाद आखिरकार राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 के दिन को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ तारीख के रूप में तय किया गया है। यह कार्यक्रम 12:20 पर होगा। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। आज हम आपको अयोध्या के राम मंदिर के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पॉइंट नंबर 1, इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिर की डिजाइन को बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, राम मंदिर 265 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। पॉइंट नंबर 3, मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बने हैं। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है जिनकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। पॉइंट नंबर 4, मंदिर में भगवान राम की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। नंबर 5, मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा।